हाई कोर्ट वजीर आजम इमरान खान की आम इंतखाबात में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमर शाकिर से। जी उमर शाकिर, आगाह कीजिए गए समात के हवाले से। इमरान खान की आम इंतखाबात में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात हुई है। अदालत ने फ्रीकैन के वकला को 2 नवंबर के लिए को बहस के लिए तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने नाकाम उम्मीदवार की दरख्वास्त पर समात की। वज़ीरे आज़म इमरान खान की जानिब से एडवोकेट बाबर रिवान लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए और अदालत को बताया कि पहले दरख्वास्त में उठाए गए बुनियादी एतराज़ात पर बहस होनी चाहिए। वज़ीरे आज़म के मद्दे मुकाबले उम्मीदवार अब्दुल वहाब बलोच ने वकील मुबीन काजी की वसादत से लाहौर हाईकोर्ट में इंतखाबी उदरदारी दायर की थी और इमरान खान की NA 95 मियां मालिली से कामयाबी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। इंतखाबी उदरदारी में इमरान खान के कागजात नामजदगी और उनके इंतखाबात लड़ने पर एतराज़ात उठाए गए थे और मौकफ भी इख्तियार किया गया था कि इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में अपने बच्चों के बारे में तमाम तफसीलात फराहम नहीं की और इलेक्शन एक्ट 2017 पर अमल दरामद नहीं किया। लिहाजा अदालत से इस्तदआ की गई थी कि अदालत इमरान खान के इंतखाबात को करदम करार दे और NA 95 मियाँ वाली में दोबारा इंतखाबात करवाने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर शाकिर।